हाँ, तुम लोगों को पता है ये फालतू सब लफड़े में मैं पढ़ता नहीं कंट्रोवर्सी में, बट यहाँ पे मेरे को फनी इसलिए लग रहा है क्योंकि जो बंदे का लिटरली कंटेंट वही है। हेलो गाइस, तो गाइस ठगेश और रजत दलाल के बीच में नई कंट्रोवर्सी हो गई है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में ठगेश ने अपने रोस्ट वीडियो में रजत दलाल को रोस्ट किया था और उनके बारे में बहुत सारी बातें अपने वीडियो में कही थी। दलाल और नीरज चोपड़ा में एक चीज कॉमन है, दोनों ही जाट है, दोनों ही हरियाणा से आते हैं और दोनों की काफी अच्छी फैन फॉलोइंग है वेरियस रीजंस के लिए। नीरज चोपड़ा जैवलिन बहुत अच्छा फेंकता है, रजत दलाल सिर्फ फेंकता है। एक जहाँ जाता है गोल्ड लेके आता है, दूसरा जहाँ जाता है गैंग लेके जाता है। आप सोच रहे भाई मैं मुंबई में हूँ, यहाँ पे नहीं चलनी रजत भाई की, वो सब उधर करो दिल्ली में, समझे। अब दोस्तों इस रोस्ट वीडियो के बाद काफी रजत दलाल के जो फैंस है वो ठगेश के ऊपर अपना गुस्सा दिखा रहे थे और इसके बाद रजत दलाल ने भी इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी अपलोड की और वहाँ पर ये लिखा कि इस हीरो का एड्रेस है क्या किसी पे। जी हाँ दोस्तों, ये स्टोरी लगाई थी रजत दलाल ने। उसके बाद दोस्तों ठगेश ने भी इस स्टोरी पर रिप्लाई देते हुए एक स्टोरी लगाई और वहाँ पर ये लिखा कि भाई को बताओ कि फरीदाबाद के भी बाहर दुनिया है जहाँ इनकी नहीं चलती है। ये रिप्लाई दिया ठगेश ने रजत दलाल को। और इसके अलावा दोस्तों ठगेश ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी भी अपलोड की जहाँ पर इस मैटर को लेकर कुछ कहे, तो क्या कहा चलिए मैं आप लोगों को वो वीडियो दिखाता हूँ। हाँ, तुम लोगों को पता है ये फालतू सब लफड़े में मैं पढ़ता नहीं कंट्रोवर्सी में, बट यहाँ पे मेरे को फनी इसलिए लग रहा है क्योंकि जो बंदे का लिटरली कॉन्टेंट वही है कि किसी को लाइव पे लो, उसको ट्रोल करो, उसको बुली करो, एंड जब उसको कोई रोस्ट करे तो मिर्ची लग जाती है एंड फिर उसका वही चालू हो जाता है, एड्रेस लोकेशन। भाई बस कर भाई, थक गए अब। तो यहाँ पर दोस्तों आपने देखा कि ठगेश ने इस मैटर को लेकर के क्या कहा अपनी स्टोरी वीडियो में। अब दोस्तों उसके बाद रजत दलाल ने इस स्टोरी को अपनी स्टोरी पर पोस्ट करते हुए ये कहा कि मत करो काम के, आप भी लाइव आ जाओ, अपना काम करो और मुझे भी करने दो, मेहरबानी होगी। ये रिप्लाई दिया रजत दलाल ने ठगेश को। तो यहाँ पर दोस्तों इन दोनों के बीच की जो पूरी अपडेट थी मैंने आप लोग को यहाँ पर अभी दे दी है। अब अगर कोई और रिप्लाई आता है किसी का तो मैं आप लोग उसके बारे में भी बताऊंगा। बाकी इन दोनों को लेकर के आप लोग का क्या ओपिनियन है, आप लोग को कौन सही लगता है, रजत दलाल या फिर ठगेश, इस पर आप लोग आपकी राय, आपके ओपिनियन हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, ऐसे और फास्ट अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर से दबा देना।